फिल्म अभिनेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राज बब्बर आज भोपाल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के 2 साल पूरे होने पर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार के पिछले 2 सालों के काम ने प्रमाणित कर दिया है कि ये सरकार केवल बड़े बड़े दावे और लुभावने वायदे करती है। यदि इतना अधिक विकास हो रहा है तो वह दिखाई क्यों नहीं दे रहा। जिस तरह से लोगों को बड़े बड़े वादों में उलझाया, बड़े बड़े इश्तिहारों में उलझाया, 2 साल के अंदर भी आज उन्हीं वादों में और उन्हीं इश्तिहारों में उलझा रहे हैं। कहाँ तो वो कहते थे बड़े जोर शोर से कि किसानों को वो उनकी लागत का 50% और मुनाफा देंगे, नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियां देंगे और विकास के नाम पर वो विकास की गंगा ला देंगे, लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान के बारे में बोलते थे कि पाकिस्तान अगर 1 सिर ले जाएगा तो 10 सिर काट कर लाएंगे। आज 2 साल के अंदर भी वही इश्तिहार हैं, वही उस तरह के प्रलोभन हैं, वही उस तरह के उलझावे हैं सामने नजर आ रहा है। किसान को क्या दिया, चाहे लाटूर का किसान देख लो, चाहे नीमच का किसान देख लो, चाहे गन्ने का किसान सहारनपुर में, अभी परसों ही जहां पर गए हैं वो बोलते हैं कि हमने आपको पैसा दे दिया, अभी केवल 700-800 करोड़ रुपया बाकी है। दूसरी तरफ अखबारें लिख रही हैं कि 5,795 करोड़ रुपया बाकी है, ये लखनऊ का कमिश्नर बता रहा है। तो अभी एक जगह गन्ने का किसान ये बोल रहा है तो सारे देश के किसानों को क्या दिया, ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए। दोस्तों, इस बार का स्विंग उन हालात को लेकर सामने आया जिसमें ये कहा गया कि हम यहाँ पर विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, जिसकी वजह से, लेकिन इनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, वोट बांटने का काम जरूर किया। उन्होंने कहा कि देश में प्रगति की चाल थमसी गई है, भारत में निवेशकों का भरोसा गिर रहा है। मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को गति देने की बजाय एक्साइज शुल्क और अप्रत्यक्ष कर बढ़ाकर अपनी जेब भरने में लगी है। 14,212 करोड़ रुपया बाहर गया है, ये है इस देश का 14,000 करोड़ों में बात कर रहा हूं, आपने बिलियन की बात कही थी ना, तो मैं इसलिए क्लियर कर दे रहा हूं, 14,212 करोड़ रुपया बाहर गया है, जो पिछले 7 वर्षों में सबसे अधिक है। भोपाल से EMS TV के लिए कैमरामैन डैनी खान के साथ